खाना क्यों नहीं खा रहा? भूख नहीं है मुझे। देख मोहन, अब नाटक बंद कर चुपचाप खाना खा ले। खाने को ऐसे नहीं छोड़ते, अन्न का अपमान होता है। और किसी को अपना सपना छोड़ना पड़े तो? तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? तू क्यों नहीं मिल रही है अनुराधा मैम से? कृष्णा मना रही है आर्यमन को और आर्यमन बहुत नाराज हो गया। हमने देखा इतना किस तरीके से यहाँ पर कॉलेज में हंगामा होता है और कृष्णा नहीं चाहती कि मोहन उसी कॉलेज में पढ़े, क्योंकि भाई मोहन की मुलाकात अनुराधा मैडम से हो गई है। वो खुद लड़का से लड़की बनी है, वो हमें भी तो बता पाएगी ना कि मैं भी कैसे लड़के से लड़की बन सकता हूँ। सुन लेता तो मैं किसी से नहीं मिलूंगी मोहन। तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और यहाँ पर जो अनुराधा मैडम है वो बिल्कुल लड़कियों की तरह है तो वो लड़का, लेकिन लड़कियों की तरह रहती है और वैसे ही मोहन रहना चाहता है। अगर खाना नहीं खाएगा तो ये बर्बाद हो जाएगा। और तू अनुराधा मैम से नहीं मिली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, नहीं खाना ना मत खा, पूरी रात भूखा। जिसे देखो खाने पे ही नाराजगी निकाल रहे हैं आज। मोहन भाई लड़का है लेकिन ऐसा चाहता है कि वो लड़कियों की तरह सजे, लड़कियों की तरह कपड़े पहने, साड़ी वगैरह पहने, और ये सारी चीजें ना कृष्णा नहीं पसंद करती है। वो नहीं चाहती कि भाई मोहन का सच सामने आए, तो इसी वजह से वो गुस्सा करती है। लेकिन पिज्जा, दीदी मुझे मनाने के लिए पिज्जा लेके आई है। हेलो, तेरी दीदी ने लाई है पिज्जा, मैंने मंगवाया। यहाँ पर आर्यमन आएगा कॉलेज में और सारा नाटक देखेगा और यहाँ पर गुस्सा करेगा कृष्णा के ऊपर और उसको घर ले जाएगा। अब ये सारी चीजों का इतना हंगामा हो जाता है कि घर पर आके बहुत नाटक शुरू हो जाता है, ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। मुझे पता था तू कृष्णा को तो कुछ बोल नहीं पाएगा, सारा गुस्सा खाने पे निकालेगा। आके देख कैसा है। बहुत अच्छा है। और खाना चल मेरे साथ। और यहाँ पर उल्टा ही कृष्णा के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है कि भाई ये तो बहुत, आर्यमन तुम्हारे को इतने अच्छे कॉलेज में लेके गया और तुम उल्टा ही वहाँ पर इतना हंगामा कर रही हो। तो यहाँ पर कृष्णा सच नहीं बताती, बोलती है कि भाई मैं इतने महंगे कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती, ना पढ़ाना चाहती अपने भाई को, मैं इतना नहीं भाई खर्चा कर सकती हूँ और मैं इसीलिए उसको दूसरे कॉलेज में पढ़ाना चाहती हूँ। और यहाँ पर आर्यमन नहीं मानता है। हम देख ही रहे हैं कि आर्यमन किस तरीके से यहाँ पर महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आ गए हैं मोहन के लिए और वो भाई कृष्णा को पसंद भी नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई आर्यमन गुस्सा हो गया है कृष्णा से और यहाँ पर कृष्णा उसको मना रही है, उसके लिए बहुत अच्छा सा खाना बना के लाती है, लेकिन यहाँ आर्यमन मना कर देता है। बट कृष्णा भी कहाँ मानने वाली है, कृष्णा उसको जबरदस्ती उसके मुंह में खिलाती है कि नहीं तुम खाओ और मैंने इतने प्यार से बनाया है और तुम्हें खाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं उन दोनों के बीच में ना एक बॉन्डिंग सी बनती जा रही है। तो हो सकता है भाई शायद 6 महीने से पहले इन दोनों में प्यार हो जाए और इन दोनों का तलाक भी ना हो। तो भाई आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर अनन्या का क्या स्टेप होगा, क्योंकि अनन्या तो बिल्कुल नहीं चाहती ना कि कृष्णा यहाँ पर रहे। अनन्या ने भाई डाइवोर्स का पेपर्स वगैरह साइन कराए थे ना, तो अब देखते हैं कि अनन्या का क्या स्टेप होता है। और वहीं दूसरी तरफ कृष्णा और मोहन के बीच में क्या दरार आ जाएगी, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको ये सीरियल कैसा लग रहा है?